आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक होगा वो थोड़ा सा हटके है गाइस, हटके नहीं मतलब है तो इंटरनेट के ऊपर ही, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप यहाँ पे इंटरनेट ऑन करते हो, ऑन करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट नहीं चलता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, और वजह होने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन जो मैं आज आपको देने वाला हूँ वो 100% आपके हर एक डिवाइस में वर्क करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना इंटरनेट ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको अगर यहाँ पे इंटरनेट शो हो जाता है या फिर चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो गाइस आपको अपना इंटरनेट ऑन करने के साथ अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा, स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। अगर उससे भी आपका इंटरनेट नहीं आ गया है तो फिर उसके बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइज आपको डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपको गाइज ये चीज़ चेक करनी है, हो सकता है कि आप सिम फर्स्ट में आपका इंटरनेट है और आपने सिम टू में एक्टिव किया हुआ है, तो जब सिम टू में एक्टिव होगा तो फर्स्ट में कैसे चलेगा, तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा। अगर इससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, अगर इससे भी नहीं होता है गाइज और भी कुछ पॉसिबिलिटी है जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। तो जैसे सिम टू में अगर आपका इंटरनेट है और सिम टू पे ही आपका सब कुछ चल रहा है, इंटरनेट आपने ऑन भी कर रखा है बट उसके बाद भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उसका एक लास्ट सॉल्यूशन यही होगा। जैसे सिम टू में मैं अब सिम टू को ओपन करते हैं गाइज, ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो सबसे नीचे कैरियर नेटवर्क होता है उस पर जाना है और इसको ऑटो पे सिलेक्ट कर देना है। ऑटो पे सिलेक्ट रहेगा तभी आपका जो नेटवर्क है वो ऑटो नेटवर्क लेगा, जो भी अवेलेबल होगा उसको ले लेगा, डिफ़ॉल्ट में नहीं होगा। इससे अगर आपका इंटरनेट चल जाता है तो गाइज ठीक है, अगर इससे भी नहीं चलता है तो लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है एक्सेस पॉइंट नेम, और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये 100% नहीं गाइज, 200 या 300 जितना भी चलना ही चलना है, इसके थ्रू तो चलना ही है गाइज। अब ये लास्ट ऑप्शन है, अगर इससे पहले जितने भी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई अगर उनसे चल जाता है तो ठीक है, अगर उनसे नहीं चलता है तो जब जाके आपको APN में आना है। APN में आने के बाद डिफ़ॉल्ट APN आपका जो भी होगा, जैसे यहाँ पे ये पूरा डिफ़ॉल्ट APN है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस का आइकन आपको हर एक डिवाइस में मिल जाएगा एक न्यू APN बनाने के लिए, तो आपको न्यू APN बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको नेम में क्या लिखना है, नेम में आपको लिखना है यहाँ पर इंटरनेट, ओनली इंटरनेट, इंटरनेट के अलावा आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसको सेव कर देना है। अगर आपके पास जियो है तो जियो वालों को मैं अब यहाँ पे APN बता रहा हूँ उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका नेटवर्क होगा। अगर आपके पास जियो है तो आपको लिखना है जियो 4G से अगर आपका चल जाता है ठीक है, अगर नहीं चलता है तो आपको यहाँ पर लिखना है जियो नेट। अगर इनसे चल जाता है, इनसे तो चलना ही चलना है गाइस। अब बात करते हैं एयरटेल वालों के लिए, एयरटेल वालों को APN में लिखना है airtelgprs.com, ये लिखना है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट आता है वोडाफोन, तो वोडाफोन के लिए दो पॉसिबिलिटी है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है vodafone.net, ये अगर आपका एक्टिव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको सिंपली www लिख के सेव कर देना है, उससे आपका चल जाएगा। अब गाइज नेक्स्ट आता है आइडिया, तो आइडिया में आपको क्या करना है, आइडिया में आपको सिंपल इस तरीके से इंटरनेट लिखना है जिस तरीके से आपने नेम में लिखा था, वो लिखने के बाद आपको APN सेव करना है, और जो बाकी मैं अभी सेटिंग बताऊंगा वो भी सब कुछ सेम रहेगी, बस APN में ही चेंज होगा नेटवर्क के हिसाब से। तो अगर आपके पास BSNL है तो BSNL वालों को लिखना है यहाँ पे BSNL.net या फिर BSNL.net। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से APN में वो लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जियो नेट, जैसे कि मेरे पास जियो का सिम है। तो ये लिखने के बाद प्रॉक्सी पोर्ट नो सेट रहेगा, यूजर नेम पे आते हैं तो यूजर नेम में आपको यहाँ पे लिखना है इंटरनेट, इंटरनेट में गाइज यहाँ पे यूजर नेम में जो आई है ना वो आपको स्मॉल में लिखना है, जैसे कि आपने नेम में कैपिटल में लिखा था बट यहाँ पर आपको स्मॉल में लिखना है, ये लिखना है गाइज। सर्वर पर आते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल आपको www.gogle.com लिख देना है, इसके बाद ही सेव करना है। सेव करने के बाद MMSC MMS प्रॉक्सी MMS पोर्ट, ये तीनों नो सेट रहेंगे,
एमसीसी एमएनसी जो आप ये अगर आपने बिल्कुल भी चेंज किया ना तो आपका नेट तो छोड़ो कुछ भी नहीं चलेगा। एमसीसी एमएनसी बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। अगर आप और कोई वीडियो देख रहे हो और उसमें बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे 870 लिखा हुआ है, आप इसको कुछ और लिख दीजिएगा, कम लिख दीजिएगा या ज़्यादा, तो गाइस मैं गारंटी लेता हूँ आपका एपीएन ही सेव नहीं होगा, इंटरनेट चलाने के तो दूर की बात है। तो इनको बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना। नेक्स्ट आते हैं गाइस ऑथेंटिकेशन टाइप। तो ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वो आपका नो सेट रहेगा। नो सेट रहने के बाद आप नेक्स्ट आते हैं एपीएन टाइप। तो एपीएन टाइप में अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लेना है। लिखने के बाद एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल में गाइस आपको अगर IPv4 पे क्लिक है आप अगर आपका तो, या फिर IPv6 पे क्लिक है तो वहाँ से हटा के आपको लास्ट वाले पे क्लिक करना है IPv4/IPv6 पे। और ऐसे ही आपको एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करना है, यहाँ पे भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो डीआरआर होता है यहाँ पे आपको अनस्पेसिफाइड ही रखना है। इसको रखने के बाद आपको ये जो सेटिंग है ये सेव कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपनी डिवाइस में इस तरीके से दो एपीएन शो हो गए। अब जो डिफ़ॉल्ट एपीएन है, अगर आपका इंटरनेट ऑन है फिर भी नहीं चल रहा है तो गाइस इस वाले एपीएन को स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद आपका जो इंटरनेट है यहाँ पे ऑन होगा और आपको ऊपर भी शो होगा। और गाइस गारंटी है इस बात की कि आपका इंटरनेट 100% चल ही जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने इंटरनेट को एक्टिव कर सकते हो अगर आपका नहीं चल रहा है तो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर।